हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी मेरी वीडियोस को कीजिए। चलिए आज मैं आपको तीन तरह से ये जो कटिंग होती है आर्म होल की, तीन तरह से ये कटिंग करना करके दिखाऊंगी। इसे हम रैगलेंस कटिंग भी कहते हैं। ये मैं आपको तीन टाइप की करके बताऊंगी कि कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहले हमने मान लीजिए कि ये हमारा आर्म होल है, इसे हमने कैसे करना है। पहले फंदा तो ऐसा ही लेना है, ये देखिए ऐसे ही एक फंदा हमने ऐसे ही उतारना है और दो फंदे हमने, ये देखिए धागे को आगे करना है और दो फंदे सीधे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए वन और ये टू, दो फंदे हमने उल्टे बना करके धागे को पीछे करना है और ये जो आगे वाला फंदा है, चौथा फंदा है, मतलब कि चौथे फंदे को हमने यहाँ ऐसे सीधा कर लेना है और दो का एक बना लेना है। दो का एक बना लेना है मतलब कि हमारे पांच फंदों में ये एक फंदा घटेगा। ये देखिए पहले हमने ऐसे ही उतारा, दो हमने उल्टे बनाए और यहाँ पे एक फंदा सीधा करके दो का एक बना लिया और बाकी सिलाई सारी उल्टी आएगी। लास्ट वाले पांच फंदों को छोड़कर बाकी सिलाई हमने सारी सीधी बनानी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से हमारी सारी सिलाई उल्टी आएगी। यह सारी सिलाई हमारी सीधी डलेगी। ये देखिए ये हमारा फंदा ऐसे ही एज स्टिच है, ये ऐसे ही आएगा और दो जो हमारे उल्टे आएंगे और दो का हमें यहाँ पे एक बनाना है। ये देखिए इन दो का हमने कैसे एक बनाना है। पहले हमने यहाँ से ये फंदा सीधा किया था, अब किसी को भी सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम सिलाई निकालेंगे और हमने दो का एक बना देंगे ऐसे और धागे को आगे करके दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और ये फंदा हमारा सीधा बनेगा और उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी बनेगी। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सारी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार से फिर से आपको बता देती हूँ, एक फंदा हमने सीधा लेना है और धागे को आगे करके दो फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लेने हैं ऐसे। दो फंदे हमने उल्टे बनाए और धागे को पीछे करके यहाँ से फंदे को सीधा किया और दो का हमने यहाँ पे, इन दो का हमने यहाँ पे एक बना लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक एक फंदा कम हो रहा है और यहाँ पे हमारा हर आती हुई सीधी सिलाई में एक फंदा कम होगा, क्योंकि हम एक ही फंदा घटा रहे हैं। यहाँ से हर आती हुई सीधी सिलाई में ये एक फंदा हमारा कम होगा। ऐसे ही करके हमने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कम करना है। देखिए दूसरी साइड से हमें एक फंदा सीधा लिया, ये बाकी सारे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए पहले हमने यहाँ से काम किया था, अब हमें ये वाला फंदा साथ में लेकर के, ये देखिए ये वाला फंदा हमें साथ में लेकर के इन दो का ऐसे एक बना लेना है। दो का एक बना लिया, अब धागे को आगे करना है और दो फंदे हमारे उल्टे और ये फंदा हमारा यहाँ से सीधा। एक तरीका तो हमारा ये हो गया
रागलांस कटिंग करने का, ये देखिए दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे और अगले दो का एक बनाना है, एक फंदा हमारा स्टार्टिंग में सीधा आएगा, ये देखिए ऐसे। और दूसरा तरीका हमने हमारा ये है, देखिए ये दूसरा तरीका हमारा, यहाँ पे मैंने ये फंदे यहाँ से घटाए हैं, ये मैं कार्डिगन बना रही हूँ, ये यहाँ से ऐसे डिज़ाइन सा बनेगा इसमें, ये बहुत सुंदर भी लगता है देखने में और हमारी घटाई भी प्रॉपर बनाई बनती है यहाँ से। ये मैं आपको तरीका बताऊंगी, जो सेकंड टाइप है हमारी रागलांस कटिंग करने की, ये उल्टी सिलाई मैं आपको सारी बना करके फिर दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरीका तो हमारा ये हो गया, अब दूसरा तरीका हमारा क्या है, ये जैसे मैंने कटिंग की है वैसे मैं आपको दिखाऊंगी बना करके कि कैसे मैंने बनाया है। देखिए ये दो फंदे तो हमने सीधे ही लेने हैं, एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधे लेने हैं, देखिए दो सीधे ले लिए। अब हमें पांच फंदे यहाँ से सिलाई में से निकालने हैं और इन चार को पीछे लेके जाना है और ये जो पांचवा फंदा है इसको हमने यहाँ पे आगे लेके जाना है, ऐसे आगे लेके जाना है और इसको हमें बनाना है यहाँ पे, पांचवें फंदे को पीछे वाले को हमने पहले बना लेना है और यहाँ पे जो चार फंदे हैं इनका हमने दो का एक और दो का एक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दो फंदे कम हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे हर आती हुई सिलाई में नहीं फंदे कटाने हैं, हर चौथी सिलाई में फंदे कटाने हैं, इसके बाद एक उल्टी और सीधी, उल्टी अगली आती हुई सीधी सिलाई में हमने फंदे फिर से दो कटाने हैं और बाकी सिलाई हमारी यहाँ पे सीधी बनेगी लास्ट वाले छः फंदों को छोड़ करके, सात फंदों को छोड़ करके। अब देखिए ये दो हमें बुनने हैं सीधे और यहाँ पे चार, एक पाँच, एक फंदा हमने और बनाना है। यहाँ पे फिर से हमें वही प्रोसीजर है, पांच फंदे हमने निकाल करके चार फंदों को इस सिलाई में लेना है, ये देखिए 1 2 3 4 4, और ये जो पांचवा फंदा है इसको हमने पीछे लेके जाना है और चार को हमें इसी सिलाई में लेकर के दो का एक, ये देखिए दो का एक, और फिर से ये सेकंड जो दो हैं दो का एक, और ये जो हमारा खींचा हुआ फंदा था, पांचवा फंदा था जो हम इसको आगे लेके आए थे, इसको हमने ऐसे बना लेना है और दो फंदे हमारे यहाँ पे सीधे आएंगे। और अब हमने क्या करना है, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी, तीन सिलाइयाँ मतलब कि हमने डालनी है, आती हुई चौथी सिलाई में हमने फंदा यहाँ पे फंदे दो दो घटाने हैं, दो इस वाली साइड से कम होंगे और दो इस वाली साइड से हमारे कम होंगे। पहले हमारा एक एक कम हुआ था इसलिए हमें आती हुई सिलाई में फंदा घटाना था, अब हमारे दो दो कम हो रहे हैं इसलिए हमें हर चौथी सिलाई में यहाँ पे फंदे कटाने हैं, क्योंकि हमारे फंदे चार कम हो रहे हैं, दो इस वाली साइड से और दो इस वाली साइड से। अब मैं आती हुई चौथी सिलाई में आपको फिर से एक बार दिखाऊंगी कि कैसे कटाना है फिर से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चार सिलाइयाँ डाल ली हैं, ये देखिए 1 2 3 4, फोर सिलाइयाँ हमने डाल करके, अब फिर से वही प्रोसीजर, दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं और पांच फंदों को निकाल करके, ये देखिए 1 2 3 4 5, पांच फंदों को निकाल करके चार फंदों को इस सिलाई में लेना है और ये जो लास्ट वाला पांचवा फंदा है इसको हमने इस सिलाई में लेकर के सीधा बना लेना है, सीधा बना लिया और यहाँ पे हमने दो का एक,
और फिर से दो का एक, दो का एक, दो का एक बनाते हुए जाना है। दो बार हमने ये फंदे घटाने हैं, जो चार फंदे हैं हमारे पास वो दो का एक मतलब कि चार फंदों के दो रह जाएंगे यहाँ पे, और बाकी सिलाई हमारी सीधी। लास्ट वाले घटाई के फंदे छोड़ के बाकी सिलाई हमने ये सीधी बनानी है। ये देखिए, दो हमें सीधे चाहिए, चार हमें दो का एक करने के लिए चाहिए, और एक हमें यहाँ पे आगे लाने के लिए चाहिए। यहाँ से हम पांच फंदे निकालेंगे, चार को इस सिलाई में लेंगे और पांचवें को यहाँ से खींच करके इस सिलाई में लेना है, और चार का हमने दो का एक करते जाना है। ये देखिए, चार को हमने दो बार घटाना है, दो का फिर से एक किया और दो का सेकंड टाइम एक किया, और ये जो फंदा हमारा है इसे हमने ऐसे ही बुनना है सीधा, दो हमें सीधे चाहिए ऐसे ही करके। ये हमारा दूसरा तरीका है रागलांस कटिंग का। ये हमारा दूसरा तरीका है। अब हमने उल्टी सिलाई डालनी है, उसके बाद फिर से सीधी, फिर से उल्टी, फिर से आने वाली सीधी सिलाई में हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। और मैं अब हम आपको उल्टी सिलाई डाल करके तीसरा तरीका कैसे बनाया जाता है वो मैं बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक टाइप हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरी टाइप से कैसे करना है बिल्कुल ही सिंपल हमारा तरीका है तीसरा। वो कैसे बनाना है, हमने एक फंदा तो हमें सीधा बना लेना है। देखिए, एक फंदा हमने सीधा बना लिया और यहाँ से इस फंदे को सीधा किया और दो का एक बना लिया। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है ये, दो का हमने एक बना लिया और बाकी सिलाई सीधी। लास्ट वाले तीन फंदों को छोड़ करके बाकी सिलाई हमारी सारी सीधी। अगर आप कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं तो डिज़ाइन डाल लीजिए। लास्ट वाले तीन फंदों को छोड़ करके बाकी सिलाई हमारी सारी सीधी। देखिए, लास्ट वाले जो तीन फंदे हैं इन्हें हमने कैसे बनाना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से डाल करके सिलाई इसको ऐसे सीधे बना लेना है, और लास्ट वाला जो फंदा वो ऐसे ही आएगा हमारा। ये हो गए हमारे तीन तरीके, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। उल्टी सिलाई डालनी है, बनानी है अब हमने। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है, ना कोई घटाना है ना कोई बढ़ाना है, सिंपल हमारी उल्टी सिलाई सारी उल्टी की उल्टी डलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड रो है, सेकंड सिलाई है, मतलब कि हमने यहाँ पे एक फंदा फिर से घटाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया था। अब जब हम एक यहाँ से भी जो हमारा फर्स्ट जो ये पहले वाला तरीका था, हमने यहाँ पे भी एक फंदा घटाया था, और हर आने वाली सिलाई में एक फंदा घटाते हैं, और यहाँ पर हमने दो दो फंदे घटाए हैं, हर एक सिलाई में दो फंदे। ये देखिए, यहाँ पे हमने दो फंदे घटाए थे, इसलिए हमने यहाँ पे आने वाली चौथी सिलाई में फंदा घटाना है। जहाँ पे हमारा दो फंदे घटेंगे और वहाँ पे हम चौथी सिलाई में फंदे आगे घटाएंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा घटेगा, वहाँ पे हम हर एक सिलाई में, हर आती हुई सीधी सिलाई में फंदा घटाना है। ये देखिए, एक फंदा हमने सीधा बनाया और इस फंदे को सीधा करके यहाँ पे हमने ये दो का एक कर लिया। ऐसे तीन टाइप से हमारी ये कटिंग होती है, और बाकी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। लास्ट वाले तीन फंदों को छोड़ करके बाकी सारी सिलाई हमारी
सीधी बनेगी। आपको जो भी तरीका सही लगता है या आसान लगता है वो आप बना सकते हैं, मतलब कि घटाई वैसी ही डलेगी। देखिए ये दो का हमने फिर से एक बनाना है और लास्ट वाला फंदा हमने ऐसे ही बना लेना। देखिए फ्रेंड्स घटाई एक ही तरह से बनेगी, एक ही मतलब कि ऐसे कटिंग एक ही तरह से बनेगी लेकिन तरीके अलग अलग होंगे। ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाला तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक फंदा हमने सीधा बनाना है, नेक्स्ट दो फंदों का एक बना लेना है। यहाँ पे दो फंदे घटाने हैं एक ही बार में और चौथी सिलाई में आकर के दो फंदे फिर से घटाने हैं। और फर्स्ट जो है वो एक फंदा सीधा बनेगा, दो हमारे उल्टे बनेंगे और अगले दो जो हैं वो हमारे दो का एक बनेंगे। ऐसे ही करके ये सारी कटिंग आप तीन टाइप से ये कटिंग बनेगी, इसे रेगलांस कटिंग भी कहते हैं। ये बहुत सुंदर है और इसे डिज़ाइनर कटिंग भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाता है यहाँ पे साइड में, जब हमारा यहाँ पे सिला जाएगा हमारी आर्म सिली जाएगी यहाँ पे तो बहुत सुंदर लगेगा, ये डिज़ाइन सा बन जाएगा दोनों को मिला करके। तो इस तरह से हमारी तीन तरह से रागलांस की कटिंग की जाती है। थैंक यू, आप भी कीजिए। थैंक यू।